तुमसे नहीं होगा धर्म पत्नी जी। तुम कब से ये सब कर रहे थे? तुम तो परिवर्तन का झंडा हर जगह तुमसे नहीं होगा धर्म पत्नी जी। तुम कब से ये सब करने लगे? तुम तो परिवर्तन का झंडा हर जगह गाड़ना चाहती हो। रहने दो, वो लड़कियां कुछ और ही होती हैं जो ये सब कुछ कर सकती हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो मत रे। दो तीन तो आस्था, मतलब अब श्लोक ने तो आपको चैलेंज कर दिया है, तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? वो तो हर वक्त में चैलेंज करता रहता है, मैं मानने वालों में से थोड़ी ना हूँ। अब आ ही गई हूँ अग्निहोत्री प्लैनेट पे तो अपने भी झंडे गाड़ ही दूँ। वही वो हमेशा सुनाते रहता है, दैट वो और उनकी मॉम जो है वो सुनाती रहती है कि हम जो कहते हैं उसके अगेंस्ट ही तुम्हें करना होता है। बट आई एम अ फ्री गर्ल 21st सेंचुरी की, तो मैं वही करूँगी जो मुझे करना है बॉस। मैं रुकी हूँ फॉर अ रीज़न, क्योंकि वो मेरे बाबा के वजह से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। द डे माई बाबा इज आउट ऑफ ऑल दैट, आस्था इज गोइंग टू किक हिम ऑफ टोटली। ओके, तो मतलब बात करें राजल व्रत की, तो क्या आस्था ने कभी किया नहीं है ऐसा व्रत, तो क्या वो रखता है? एक्चुअली आस्था की ये प्रॉब्लम है कि वो फास्ट कर नहीं सकती है, इन स्पाइट ऑफ हर टेलिंग हर मॉम इन लॉ अगेन एंड अगेन कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन सुनता कौन है उसकी। तो आस्था काफ़ी मुश्किल में है, उसका शुगर लो हो गया है, तो बस उसकी तबीयत खराब है और रख नहीं पा रही है, लेकिन उसे रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द टू हेल्थ इश्यूज है, एंड वो वीक होते जा रही है, लेकिन उस पर कोई दया नहीं खा रहा है। तो फिर कैसे सारी प्रॉब्लम, सारे सिचुएशन किस तरह से हैंडल करने वाली है आस्था? शी इज अ स्ट्रांग गर्ल, बट अभी क्या है, हेल्थ इश्यूज अगर होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो मैं फाइनली फेंट हो जाती हूँ। अब फिर भी मेरी सास को दया नहीं आती है, मतलब कैसी अग्निहोत्री प्लैनेट ये नहीं, एक्चुअली वो बहुत काम करवाती है मुझसे जानबूझकर, कि खाना सर्व करो, खाना बनाओ इतने सारे लोगों के लिए। तो अभी आई एम ट्राइंग कि किसी तरह ये मैनेज हो जाए, मुझे प्यास लगती है लेकिन कोई है नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं सोशल वांट्स मी टू ब्रेक माय फास्ट, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा 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 सबको चाहिए कि आज तक की लाइफ में प्रॉब्लम हो। तो सब अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आस्था को पापा पे विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं अग्निहोत्री हाउस में आपकी मदर इन लॉ और आपके हस्बैंड लोग आपको मतलब परेशान करने की एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर आस्था के पास मौका आया, ऐसा कोई मौका आएगा अगर उन दोनों को परेशान करने का, तो आस्था किसको परेशान करेगी? मैं दोनों को एक कमरे में बंद कर दूंगी, दोनों एक दूसरे के बाल नोचते रहेंगे, दोनों को दे कांट स्टैंड ही जाता। सबसे पहले तो श्लोक का अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो हमेशा लड़ता रहता है अपनी आई से, वो समझता है कि वो उनका बेटा नहीं है। तो सबसे मतलब गंदे से गंदा पनिशमेंट यही हो सकता है कि एंड ऑन टॉप ऑफ इट निरंजन को भी छोड़ दूंगी वो रूम में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और आई कैन डू इज़ जया को भी भेज दूँ, सूजल की जो मम्मी है काफ़ी इरिटेटिंग है, तो सबको मैं एक साथ एक घर में मैं रख दूंगी। यार मतलब यही तो बन गया अग्निहोत्री प्लैनेट, पता नहीं सब कैसे झेलते एक दूसरे को इस घर में। तो मैं क्या करूंगी, मैं पतली गली पकड़ के निकल लूंगी, तो मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, वो लोग उनको जो करना है करें, मैं बस फ्री हो जाऊं यहाँ से, दैट्स इट। लेकिन जो आस्था उस लोग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब
मतलब क्या है, इट इज लाइक शी फील्स शैटर्ड राइट नाउ मोर देन लव. उसका जो मतलब हर्ट इतना ज्यादा है, वो इतनी टूट चुकी है कि वो अभी जुड़ने में उसे टाइम लगेगा. अब वो प्यार भूल चुकी है श्लोक के लिए. शी हैज स्टार्टेड हेटिंग हिम फॉर द काइंड ऑफ रिवेंज ही इज टेकन. मतलब ऐसा कोई नहीं करता यार, कौन करता है ऐसा. तो अभी प्यार तो डेफिनेटली नहीं है. तो इस प्यार को क्या नाम दूँ, नहीं पता. मुझे नहीं पता क्या है, रिवेंज है, हेट्रेड है, कन्फ्यूजन है, अग्निहोत्री प्लैनेट है, पता नहीं क्या है. सो आस्था इज नॉट इन लव फॉर श्योर. अभी शी इज जस्ट ब्रोकन. फैंस को मैं यही कहूंगी कि आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं रिबेल करूं, माँ दुर्गा का रूप दिखाऊं, तो वो जल आएगा. डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ एंड मुझे मौका मिले मैं सबकी बैंड बजाऊंगी. सबकी बैंड बजाऊंगी. न्यू ईयर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि सब सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएं, अपने फैमिली के साथ रहिए, फ्रेंड्स के साथ रहिए, हैव फन एंड हैव अ सेफ न्यू ईयर्स ईव. हैप्पी न्यू ईयर. देखो उसको.